नमस्कार, लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका और आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है विनोद विहारी कोयलांचल विश्वविद्यालय में। वैसे हर ग्रोथ जो है उसे हम डेवलपमेंट नहीं कहते हैं, लेकिन कई बार जो है हम ग्रोथ को ही डेवलपमेंट मान लेते हैं। विश्वविद्यालय में वैसे हर दिन कुछ ना कुछ नया होता है, लेकिन इस बार जिस खबर को लेकर हम आए हैं उसका इंतज़ार आपको बहुत समय से था, लंबे समय से इंतज़ार था। तो आज मैं बताऊंगी आपको यूथ फेस्टिवल को लेकर के ज़रूरी सूचना देना चाहूंगी। हो सकता है कई बच्चे जो हैं वो विश्वविद्यालय में इसी कारण ही एडमिशन लिए हों कि उन्हें इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, और आप सभी बच्चों के पास जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि आप इसमें भाग ले सकते हैं। तो आप चाहें तो अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो हैं, आप जिस विभाग में पढ़ते हैं, अपने HOD को अपना नाम दे दें, या फिर आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट में जाइएगा, वहाँ पर एक रजिस्टर्ड डायरी पड़ी हुई है, अपना नाम कॉन्टैक्ट डिटेल आप वहाँ भी साझा कर सकते हैं। लेकिन जनवरी का पहला वीक जो है वो इसके लिए अहम होने वाला है, जब फाइनल स्क्रीनिंग की जाएगी। कौन कौन जो हैं वो 29, 30 और 31 जनवरी को परफॉर्म कर पाएंगे। 29, 30, 31 जनवरी, जी हाँ, ये वही तारीख है जिस दिन विश्वविद्यालय में रंगारंग कार्यक्रम होने वाले हैं, अंतरनाद की घोषणा की गई है। वैसे मैं बताना चाहूँगी, चतुर्थ युवा महोत्सव है, युवा महोत्सव की तैयारियाँ चल रही हैं, बजट पास हो चुका है और सारे विभाग में लगभग सारे बच्चे भी जो हैं तैयारियों में जुट गए हैं। वैसे जो बच्चे अब तक जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, तो आपका लाइव इंडियन गार्ड आपको बता रहा है, टोटल डिटेल के साथ सारी बारीकियां बता रहा है आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं यूथ फेस्टिवल में। वैसे पास आउट छात्रों के लिए मौका नहीं है, जो लोग यहां पर इनरोल है, जिनका एडमिशन हुआ है, वही भाग ले सकते हैं। और डिपार्टमेंट की भी बाध्यता नहीं है कि हो सकता है कोई मास कॉम के बच्चे हों, हिस्ट्री वाले हों, तो अपने ही क्लास के ही बच्चों के साथ कर सकते हैं। आसपास में अगर किसी अन्य विभाग में भी आपका कोई दोस्त है तो आप उसके साथ टीम बना सकते हैं। मैं बताना चाहूँगी आपको कि कमेटी जो बनाई गई है युवा महोत्सव के लिए, उसका क्या लिस्ट है, किस तरह से चल रहा है, किस सीक्वेंस में कौन होंगे। तो सॉविनेर कमेटी एक बनाई गई है, दूसरी कमेटी है जो सीटिंग पंडाल और डेकोरेशन को देखेगी, तीसरी कमेटी है वो इन्विटेशन कमेटी है, चौथी जो कमेटी है वो प्रेस मीडिया फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी कमेटी है, पांचवा जो कमेटी है वो प्राइज और सर्टिफिकेट कमेटी है, अहम है, उसी सर्टिफिकेट के लिए जो है बच्चे तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद छठी जो है वो टेक्निकल कमेटी है या स्टेज कमेटी, उसी का ही नाम है। उसके अलावा एकोमोडेशन कमेटी भी है, ट्रांसपोर्टेशन कमेटी भी है और फूड एंड कैटरिंग कमेटी भी है। अंतरनाद की घोषणा होने के बाद कई लोगों में एक्साइटमेंट था, क्योंकि विश्वविद्यालय जो है वो उस वक्त बंद रहता है, सिर्फ जो बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं वो तो आते हैं, हो सकता है दर्शक भी आते हैं, क्योंकि यूथ फेस्टिवल जो है ऐसा नहीं है कि आप पहली बार सुन रहे हैं, इसमें आप किसी भी रोल में आगे आ सकते हैं। हो सकता है आप ड्रामा करने में एक्सपर्ट हो, मैं उस ड्रामे की बात नहीं कर रही हूँ, स्टेज पर प्रॉपर स्क्रिप्ट के साथ रेडी होकर हो सकता है आप अच्छा परफॉर्म कर पाए, या सोलो क्लासिकल का मौका है, डिबेट पोएट्री में अगर अच्छे हैं तो वो भी मौका है। लेकिन हाँ, मैं जिस पोएट्री की बात कर रही हूँ इस बार वो पोएट्री जो है वो नहीं है। तो लिस्ट जो है वो आपको मिलने वाला कहाँ है, तो लाइव इंडियन गार्ड आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक बता देगा, लिंक साझा कर देगा, वहाँ आप देख सकते हैं कि किस इवेंट के लिए कितने पार्टिसिपेंट होने चाहिए और कितने मिनट तक आपको स्टेज पर बने रहना है और लोगों का ध्यान खींचना है। वैसे बताऊंगी, जो ये अंतरनाद की जो कमेटी बनी है उसके पैटर्न हैं प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार पोद्दार जी, और उसके अलावा ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी में DSW डॉक्टर पुष्पा कुमारी जी शामिल हैं। कमेटी को अगर आप देखिएगा वैसे लिस्ट में कितने लोग शामिल हैं, मैं बारीकियाँ नहीं बता रही हूँ, एवरेज मोटा मोटी चीज़ों को ही बता रही हूँ। लेकिन एक बात जो काफ़ी दिलचस्प है, अहम है, कि उस दिन जो वो 3 दिन जब छुट्टी का दिन होगा कैंपस में, पार्टिसिपेंट रहेंगे, जो लोग उसके अंदर भागीदारी रखेंगे वो रहेंगे, टीचर्स की ड्यूटी लगाई गई है, प्रोफेसर्स की ड्यूटी है, कई स्टाफ है वो मौजूद रहेंगे, स्कॉलर्स की भी ड्यूटी दी गई है। तो कहीं ना कहीं 3 दिन पूरे मेहनत के साथ जो हैं विश्वविद्यालय से जो लोग जुड़े हैं उनका काम रहेगा और उसकी तैयारियां चल रही हैं। कमेंट सेक्शन में मैं
दर्शकों से बस ये चाहूंगी आप जरूर बताइएगा कि आपने कभी स्टेज पर परफॉर्म किया है और क्या क्या गलती है जो चांसेस थी और आपने की है स्टेज पर। वैसे लाइव इंडियन गार्ड यूट्यूब चैनल पर आप तो हमें देखते हैं। इस बार जो खबर है यूथ फेस्ट को लेकर के, जल्दी से जल्दी आप इसे देखें और विश्वविद्यालय से जुड़े बच्चों से अनुरोध करूंगी कि अपने दोस्तों में साझा करें, क्योंकि कई बच्चे इच्छुक तो हैं लेकिन जानकारी के अभाव में वो पहुंच नहीं पाते हैं, कार्यक्रम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। अन्य अपडेट के लिए जुड़े रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।